आप तक हम साझा करें। तो इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ी है, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। तो दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की तबीयत खराब होने की जानकारी मिल रही है, LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया है फिलहाल। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, आतिशी की तबीयत बिगड़ने की जानकारी, LNJP अस्पताल ले जाया गया है जहाँ पर उन्हें भर्ती करवा दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। भूख हड़ताल के 5वें दिन उनकी तबीयत बिगड़ी, ये शिकायत मिल रही है। तो आतिशी का ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, ये जानकारी मिल रही है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं आतिशी और अब उन्हें LNJP अस्पताल ले जाया गया है। बड़ी जानकारी आप तक हम साझा करें, जहाँ दिल्ली के जल मंत्री आतिशी की तबीयत खराब होने की जानकारी मिल रही है, हालांकि अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, LNJP अस्पताल ले जाया गया है। भूख हड़ताल के 5वें दिन तबीयत खराब होने की जानकारी आतिशी की मिल रही है। आतिशी का ब्लड शुगर लेवल काफी कम हो चुका है, जिस कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है आतिशी, जिस कारण उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो गया और उन्हें तुरंत तबीयत बिगड़ने के बाद LNJP अस्पताल ले जाया गया है। तो बड़ी खबर आप तक हम साझा करें, आतिशी की तबीयत खराब होने की जानकारी है, ब्लड शुगर लेवल कम हुआ है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है आतिशी, जिस कारण उन्हें अब दिक्कत हुई, तबीयत खराब हुई, तो फौरन LNJP अस्पताल उन्हें भर्ती करवाया गया। तो LNJP अस्पताल के बाहर से हमारी सहयोगी आरजू सेठ ने जायजा लिया है, देखिए। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी 5 दिन के पानी सत्याग्रह पर बैठी थी, लेकिन अब आपको बता दें फिलहाल उनकी तबीयत जो है वो खराब होने के चलते उनको अस्पताल में एडमिट किया गया है। इस वक्त वो LNJP हॉस्पिटल में एडमिट है और जिस तरीके से वो आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि लगातार उनका BP और शुगर लेवल जो है वो घटता जा रहा है, जिसकी वजह से उनका हॉस्पिटल में एडमिट होना बहुत ही जरूरी हो गया था। लगातार देखिए आम आदमी पार्टी के लीडर जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लड़ाई जो है आतिशी खुद के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के पानी के लिए लड़ रही है, दिल्ली को पूरा शेयर जो है पानी का मिले इसके लिए लड़ रही है। लगातार वो गुहार लगा रही थी, हरियाणा गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उन्होंने गुहार लगाई कि दिल्ली का पानी जो है वो दिल्ली को मिले, लेकिन लगातार जब उनको कोई समाधान नहीं मिला इसकी वजह से उनको अब कहीं ना कहीं अनशन पे बैठना पड़ा। और जिसके बाद अब जो खबर मिल रही है वो ये है कि आतिशी को एडमिट जो है वो कर दिया गया है। लगातार इस पे राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ BJP ये कह रही है कि जो मंत्री है जो खुद पूरा जिम्मेदार है, जो पानी की संभाल रही है, समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, वो खुद अनशन पे बैठ गई है। तो दूसरी तरफ ये आम आदमी पार्टी की आतिशी का ये कहना है कि दिल्ली का जो पानी है वो हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी की कमी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करें आतिशी की तबीयत की, तो लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बता रही है कि उनकी तबीयत जो है लगातार खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से उनको एडमिट करना बहुत जरूरी था। उनका शुगर और BP लेवल जो है वो नीचे जा रहा है और अगर उनको एडमिट नहीं किया जाता है तो उनकी जान को भी खतरा होगा, इसीलिए उनको फिलहाल अब एडमिट कर दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार उनका ये कहना था कि उनके पास और कोई समाधान ही नहीं था और उनको अनशन पे बैठना पड़ा है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 5 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है और इस वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही है, फिलहाल उनको LNJP हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। देखने वाली बात होगी आगे का क्या कुछ स्टेप जो है वो आम आदमी पार्टी लेती है। कैमरा पर्सन पवन के साथ में आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।